मॉर्निंग जी सबको मेरी तरफ से। तो मुकेश एक्सट्रीम राइडर से, मैं मुकेश। पता ही है आपको कि संडे को मेरी राइड होती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से लेके लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने कोई भी राइड नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ पे J&K में वीकली लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए मैंने कोई राइड नहीं ली मैंने। तो इसी समय इस संडे से लेके जो आज का जो दिन है, तो आज का जो इन्होंने लॉकडाउन को ख़त्म किया है, वीकली लॉकडाउन को, सैटरडे संडे का, तो आज मैंने एक छोटी सी, छोटी नहीं कह सकते, ठीक राइड होगी, एक राइड का प्रोग्राम बनाया मैंने। तो आज की मेरी राइड हो सकता है यहाँ से जम्मू से बिड्डा, एक जगह का नाम है, एक काफ़ी अच्छी जगह है वो वाली, और वहाँ पे एक मंदिर है माता रानी का, जिस माता रानी का मंदिर है मेरे ख्याल से, हम वहाँ पे चलेंगे आज। और आज की मेरी सबसे बड़ी बात है, आज मेरी कंप्लीट मेरी सोलो राइड होगी, आज मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, मैं अकेले राइड करूँगा मैं। तो टाइम हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं, 8:30 प्रोग्राम है मेरा घर से निकलने का, और पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से मेरे को 10:30 से 11 बज जाएंगे, आराम से जाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है मेरे को जाने की। तो वही बोलूँगा यार आपको, हर बार जो बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे आपको। तो जी अब मैं पहुंच चुका हूँ 5 पीर दरगाह के ऊपर, अब मैं यहाँ पे माथा टेकूंगा और फिर आगे चलूँगा यहाँ से। तो जब मैं इस ट्रैक पे जाता हूँ, मैं पक्का यहाँ पे गाड़ी रोक के माथा टेकता हूँ और फिर मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। जय पीर जी। तो जी अब मैं पहुंच चुका हूँ आपका बन टोल प्लाज़ा, बन टोल प्लाज़ा मैं क्रॉस करूँगा। तो ये तो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा ही चुका हूँ कि इस ट्रैक के ऊपर जाते जब मैं जाता हूँ तो मतलब कि, और ये मेरी सबसे बड़ी बात कि ये मेरी सोलो राइड है, ये मेरी जो कि मैं अकेले राइड कर रहा हूँ, मेरे साथ इससे में कोई भी नहीं है। तो आज का जो मेरा ट्रैक है जम्मू से रियासी, रियासी से बिड्डा, तो रोड कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसी रोड है। फरवरी का मौसम है, गर्मी भी है सर्दी भी है, ना ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो गाड़ी की स्पीड मैंने ज़्यादा नहीं रखी हुई है, 70-80, 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। सामने का नज़ारा देखिए, देखिए अब देखिए, सेंटर में से पहाड़ी काट के रास्ता बनाया गया है और आसमान देखिए, नीला आसमान, क्या नज़र आ रहा है। और इस समय मेरी गाड़ी की स्पीड पहुँच चुकी है जी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के ऊपर मेरी गाड़ी की स्पीड इस समय चल रही है। तो जी फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ जी आपका बाबा जित्तो जी के स्थान के ऊपर। तो अभी हम इधर से आगे चलेंगे थोड़ा, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सारा व्यू दिखाऊंगा, अंदर नहीं जा रहा इस समय, बाहर से ही माथा टेकेंगे यहाँ पे। अपने स्कूल टाइम में यहाँ पे आया था मैं, हमारे यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स का कैंप लगा था यहाँ पे। तो ये छोटा सारा बाजार आ गया यहाँ का, ये दिखाता हूँ आपको यहाँ से मैं थोड़ा सारा मंदिर के अंदर का भी नज़ारा, ये आ गया जी थोड़ा सा देखिए यहाँ से। तो अंदर अभी जाने का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस समय अंदर जा सकूँ, क्योंकि आगे मुझे काफ़ी आगे भी जाना है, मैं आपको बाहर से इसीलिए दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर कभी इधर आऊँगा तो ज़रूर मैं यहाँ से अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहुंच चुका हूँ इस समय रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी, और अब हम जा रहे हैं बेटे, ये आ गया मेरा बांजा जी माहिल, ये भी मेरी तरह गंजा ही है, गंजा ही है ये भी। ये देखो इसकी, आप इसका टकला देखो अभी का, ये देखो अभी नोट काफी हो गया इसके पास। तो अब हम जाएंगे यहाँ से बेटे, यहाँ से कितनी दूर है जी, 5-6 किलोमीटर, फिर आगे आराम से बैठ के बातें करेंगे यहाँ पे। अब अपने जी बुलेट को छोड़ के अब मैंने माहिल की, आप उसकी बाइक ले ली, उसके पास एवेंजर है,
अब मैं ये लेके जा रहा हूँ। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, आप रोड देखिए क्या रोड शाम मज़ा बहुत अच्छा लगता है। छोटा से छोटे 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 बाज़ार है रास्ते में जो कि हम कवर कर रहे हैं यहाँ से, मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे, कि चाहे कम लाइक्स मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं मैं उससे में खुश हो जाता हूँ कि ठीक है आप लोग इतने प्यार से मेरी वीडियो को देखते हैं। तो वही बोलूँगा यार, बार बार एक ही चीज़ की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आएगी तो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो जी चलिए आप चलते हैं अंदर और जानते हैं मंदिर में पंडित जी से, बाबा जी बिड़ा जी के मंदिर के इतिहास के बारे में, तो वही हमें बताएंगे कि यह क्या है क्या नहीं थी। जय बाबा बिड़ा जी। ये बाबा बिड़ा जी हमारे बिड़ा गांव से के नाम से मशहूर हैं, लेकिन ये इनका असली नाम है बाबा बालक सिद्ध जी। ये इतिहास यह है कि 200-250 साल पहले की बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे। हम फिरोजपुर के रहने वाले थे, पंजाब में है फिरोजपुर। वहाँ क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे आपस में बड़े अपराधी में। तो लड़ाई झगड़े कितने सहते सहते फिर वहाँ से हमारे बुजुर्ग जो है वहाँ से भाग निकले, आकर यहाँ जंगल में डेरा लगाया। तो उन दुष्टों को भी पता लगा कि वहाँ गए हैं, वो भी पीछे पीछे यहाँ आ गए। तो क्या करते थे, जो हमारे खानदान में बच्चा होता था उसको मार देते थे, इतनी हत्या उन्होंने कर चुके थे। तो लास्ट में फिर बाबा जी ने जन्म लिया हमारे खानदान में। तो बाबा जी 6 महीने तक उनको पता नहीं लगा कि इनके घर में कोई बालक है। तो एक दिन क्या हुआ, इनके माता पिता जंगल में गए थे अपनी जिम्मेदारी करने, दादी दादा इनके पास थे घर में, बाबा जी को दादी दादा के पास रखा था। तो जब पता लगा दादी दादा को कि वो दुष्ट आ गया है, उन्होंने इनको टोकरी में डाला, छिपा दिया, टोकरी में छिपा दिया। आए उन्होंने देखा आगे पीछे कोई बच्चा नहीं मिला, बोलने लगे आपके घर में बच्चा है, दिखाओ कहाँ है। उन्होंने कहा हमारे घर में है नहीं। तो बाबा जी खुद बोल पड़े, टोकरी से खुद बोल पड़े कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन दोस्तों आपने जो हत्या आज तक की है वो बंद कर दो, इसके आगे आपका नाश हो जाएगा। वो नहीं समझे, उन्होंने इनकी हत्या भी कर दी। जैसे वो हत्या करते थे ऐसे वो अंधे हो गए, उनको पीछे का रास्ता नहीं मिला। फिर तो बड़ी माफियाँ मांगी, लेकिन फिर पेश नहीं चली। जो खाते थे उसका कीड़े बन जाते थे, पीते थे खून बन जाता था, पानी तक भी उनको नसीब नहीं हुआ। तो आखिरकार फिर बड़ी मेहनत मनता करके उन्होंने हमारे बुजुर्गों को कहा कि इनको मनाओ, मंत्र बढ़ाओ इनका, जैसे भी हो सकता। फिर बड़ी देर के बाद उनको शाप मिला कि आपका यहाँ कोई खानदान का एक ही बच्चा एक घर रहेगा, बाकी आप यहाँ से भाग जाओगे। आज तक वैसा ही है, जो भी हुए उनके खानदान से भाग जाते हैं, लेकिन एक घर यहाँ अभी है, तो वो भी यहाँ नहीं आते हैं, हम उनके नहीं जाते हैं। तो ये बड़ी पुरानी जी हमारे बड़े प्रसिद्ध हो गया, दिल्ली से भी लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ से NHPC में काम करके गया, जहाँ जहाँ के जिस स्टेट के बड़े स्टेटों के लोग अपने HCC कंपनी में आए थे, वो वहाँ से अभी तक इनको मानते हैं, इनके नाम का प्रसाद के लिए भंडारे के लिए पैसे देते हैं कि हमारे नाम का भंडारा बाबा जी को। आज ये यहाँ है कि तीसरे दिन भंडारा होता है। सो जी अभी हमने बिड़े मंदिर में हमने माथा टेका, हमने यहाँ पे तो थोड़ा लेट हो गया, नाश्ता करने बैठा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ ही बोल सकते हो, ये कार में बैठा हूँ। आपको दिखाऊंगा दुकान का, आपको लिंक दूंगा आपको मैं, जहाँ में करो काफ़ी अच्छा नान बनाते हैं, ये आए तो खाइए जरूर यहाँ पे आप। हमारी मितबुशी मित ये बता तो किसने मारा तेरे को, माहिल ने गुस्सा किया तेरे को, माहिल ने गुस्सा किया, किसने गुस्सा किया तेरे को, पापा ने गुस्सा किया, छोड़ इसको छोड़ दे यार, ये ले तो ये ले ले, चल ये ले तो ये ले ले, ये ठीक है अब, ठीक है आना हमारे घर, तू कब आएगी, कब आने तू नहीं। तो जी टाइम हो चुका है जी लगभग एक बज चुका है जी, तो अब मैं आ चुका हूँ रियासी सिस्टर के घर अपने, वहाँ पे उनसे मिलूँगा। तो
फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अब हम मिले मितभूषी से, वो कह रहे मुझे उठाने के लिए कि उठाओ मेरे को, मगर मैं बच्चों को नहीं उठाता हूँ, डर लगता है उठाते मेरे को बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़। तो जी मैं सिस्टर के घर से निकल चुका हूँ, अपनी दीदी के घर से। तो अब मैंने सोचा था कि सीधे घर पे जाऊँगा, मगर अब मैंने सोचा है कि घर जाने से पहले मैं आप सबको रियासी से जो रोड कटरा को जा रही है, इसी रोड के ऊपर आगे जो है ताराकोटी मार्ग, जो कि वैष्णो देवी जाने का नया रास्ता है, मैं आपको वो भी दिखाता चलूँ साथ में। टाइम है मेरे पास, हालांकि वैष्णो देवी तो नहीं जा सकता मैं, मगर मैं आपको माता रानी के जो जिस रास्ते से दरबार को जाया जाता है, मैं आपको वो भी दिखाता चलूँ। तो चलिए चलते हैं ताराकोटी मार्ग माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। नीचे से ही माथा टेकेंगे, भवन तक तो नहीं जा पाएंगे, नीचे से ही माथा टेकेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, सब बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये आ गया आपका जी ताराकोटी मार्ग का, ये देखिए आपको मैं यहाँ से, ये देखिए जय माता दी। ये आपको पूरा व्यू मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, यहाँ से ये देखिए आके यार, ये रास्ता इधर से, ये रास्ता आपका इधर से ऊपर जा रहा है जी, ये रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है जी आपका सारा। ये वे टू दी भवन ये, और ये रास्ता आपका चलेगा जी गुलशन के लंगर को, ये रास्ता यहाँ से चलेगा जी गुलशन के लंगर को, ये रास्ता जाते इस समय ये। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी। हाँ जी जी सर।